हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी भाइयों का आपके साइज भाई के ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लोग BS सस्पेंस से फ्लाइयर्स लोड किए थे और आ करके गुड़ेली में सो गए थे, क्योंकि रात में वो खाली करने का जगह ठीक नहीं है, हमेशा वहाँ गाड़ी फंसता था। तो सुबह हम लोग 7 बजे उठ करके और खाली करने गए थे और अपना गाड़ी भी खाली हो गया है, दोनों गाड़ी, मैं और अलीन चाचा दोनों थे। तो खाली करके और माल फंसा हुआ था थोड़ा मोड़ा, तो अपने ऑफिस के पास लेके आ गए हैं सीधा। तो ऑफिस के पास अपने आ करके और लेबर साफ किया फ्लाइयर्स, उसके बाद ऑर्डर कहीं का नहीं था तो नहा धो रहे थे और नहा धो भी रहे थे, प्लस में अपना गाड़ी का सब सामान देखा, जितना भी था, इसके नीचे में सीट जो लगा था ये सबको धो करके बाहर में रख दिए हैं, पूरा साफ़ सफाई अच्छे से किए हैं। तो अभी कुछ देखे, थोड़ा सा दाल में पानी ज़्यादा डाल दिया है, इसलिए सब बाहर से निकल गया, गाड़ी भी गंदा हो गया थोड़ा। अभी तुरंत ये सबको मस्त एकदम पानी मार के चारों तरफ साफ़ किए थे, कपड़ा सा पोंछना पड़ेगा फिर से। और हम लोग खाना भी बना रहे हैं, दोपहर हो चुका है, समय का 12 बज चुका है। चावल तो कुछ बना दिया है देखिए इधर, और बाकी का ये दाल बन रहा है। और उधर खेक्सा लिए थे भाई हम लोग कल, झारखंड में खेक्सा बोलते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या बोलते हैं आप लोग। तो इसको अभी भुजिया बनाएंगे, तेल लेकिन ख़त्म हो गया है। तो अभी अपना मैनेजर देखिए वहाँ बैठा है, वो बोला कि जाओ विजय बसंत में जा करके 20 mm लोड करो, और अलीम चाचा को 100 mm लोड करना है, जो कि तमनार जाएगा उनका, और मेरा जाएगा 20 mm रायगढ़ सिटी अंदर मरीन ड्राइव में। मरीन ड्राइव में खाली होता है, कलेक्टर ऑफिस से पहले नीचे उतरना पड़ता है और आगे में थोड़ा सा जा करके राइट साइड में मतलब अपना खाली होता है गाड़ी। भैया हैं रायगढ़ के, उन्हीं का मतलब सेलिंग करते हैं वो गिट्टी को ट्रैक्टर में। तो चलिए अभी वहीं चल के भुजिया बनाना पड़ेगा, क्योंकि तेल तो है नहीं। अभी रास्ते में जाते समय तेल लेकर के और क्रेशर में ही वहाँ भुजिया बना लेंगे, और बाकी का दाल चावल अपना हो गया है, और वहीं खाना वाना खा लेंगे, अलीम चाचा को भी खिला देंगे, उसके बाद निकलेंगे। दोस्तों देखिए, तेल वगैरह खरीद करके और क्रेशर में अभी आ चुके हैं, वो 10 चक्का के बाद अपना नंबर है। अभी जो कन्वेयर नीचे वाला माल निकल रहा है वो वाला लोड करेंगे, क्योंकि डंप वाला बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट टाइप का है और मिट्टी मिट्टी टाइप का है। तो अभी कन्वेयर नीचे वाला लोड होगा, क्योंकि रात में खाली होगा सिटी अंदर में, तो कोई मतलब नहीं है अभी जा करके, तो आराम से बढ़िया माल लोड करके जाएंगे। जल्दी में रहता है तो कभी कभी लोड भी हो जाता है ये सब, लेकिन अभी फुर्सत है इसलिए कन्वेयर नीचे वाला लोड होगा। क्रेशर चल रहा है अभी, और 10 चक्का देखिए, वही 10 चक्का मैं पहले चलाता था, इसको भी चलाया हूँ 2-3 महीना, लेकिन थोड़ा इसको 3 महीने के आसपास चलाया था। गाड़ी ये बहुत बढ़िया है भाई, लेकिन इसमें एक ही बीमारी था, वायरस वाला। वो अगर वो ऐसा वायरस था कि वो आ गया तो गाड़ी मतलब 15-20 से ज़्यादा स्पीड भागता ही नहीं था, और वो बीमारी अभी तक शोरूम वाला इसका गाड़ी का ठीक नहीं कर पाया, पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को। चलिए तेल गर्म हो गया है, बस मिर्चा डालेंगे इसमें और अपना खेक्सा। डालो कुछ, हाँ डालो डालो डालो, इतना मज़ा आया था ना भाई रात में इसके साथ भुजिया रोटी खा करके, और अभी ही एकदम मज़ा आ रहा है देख करके ही। देखना दोस्तों, भुजिया अपना देखिए आधा फ्राई हो गया है, तो इसमें नमक डाल देते हैं, डाल दो कुछ नमक, बस 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 हो गया। चलिए 5 मिनट और लगेगा। दोस्तों खाना अपना बन चुका है, और दाल में आज भाई लोग डाले हैं देसी घी, मम्मी अभी घर से भेजी थी, अली चाचा आ रहे थे, तो देसी घी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और दाल आज कुछ बहुत ज़्यादा बना दिया है, अली चाचा बोल रहे हैं कि घी डाल दो उसको पी जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं दाल को, क्या चाहिए। हाँ तो काहे छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा है दाल, पीने में सेहत अच्छा। चलिए भाई लोग अब खाते हैं फटाफट से खाना, क्योंकि अलीम चाचा अब जाएंगे खाना खा करके, इनका तमनार का लोड है वहीं गारे पेलमा का। कहो चाचा, दाल भात एकदम के भुजिया एक नंबर बा ना,
आराम से। दोस्तों समय का बच चुका है 3 और अपना मटेरियल भी बन चुका है, खाना पीना खा करके गाड़ी को रिम में लगा दिए थे। ये देखिए अभी नया नया क्रेसिंग हुआ है, वही सब मटेरियल लोड कर रहा है लोडर वाला। और गर्मी तो भले बहुत ज़्यादा है, बारिश पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, अब एकदम से रुक गया है बारिश। दोस्तों गाड़ी में अभी भी प्रॉब्लम है, देखिए बार बार रीजनरेशन मांग रहा है, तो चलिए अपने ऑफिस के पास चल करके इसको रीजनरेशन करेंगे। ये देखिए पीला बत्ती जल है रीजनरेशन का, और यहाँ लिख भी रहा है रीजन एक्टिव। अभी ये ऑटो रीजन एक्टिव रहता है ना, तो थोड़ा सा मतलब 10 PRPM देखे रहता है आइडल में, लेकिन अगर ऑटो रीजन नहीं रहेगा तो RPM 5 से हल्का सा मतलब ऊपर रहता है। और जब खुद से ये ग्रीन स्विच को दबा करके ऑटो रीजनरेशन देते हैं तो 20 तक RPM रहता है, और खुद अपने आप को फिर नॉर्मल पे आ जाता है। उसमें आधा घंटा भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, कोई इसका लिमिट नहीं होता है। तो सुबह मैं रीजनरेशन दिया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, क्योंकि फ्लाईएस को खाली करने वाला लेबर फिर चला जाता है, इसलिए कैंसिल करना पड़ गया था। लेकिन अभी भी देखिए सिग्नल बार बार दे रहा है, तो चलते हैं ऑफिस के पास इसको रीजनरेशन करते हैं। पता नहीं गाड़ी कैसे साइलेंसर तरफ से जब रीजनरेशन कर रहे हैं तो कच्चा धुआं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है आ गया है। देखते हैं रीजनरेशन करके इस बार ठीक हो गया तो अच्छा बात है, नहीं तो सर्विस सेंटर में बढ़िया से दिखवाना पड़ेगा गाड़ी को। क्या है कि ये सब बीमारी बहुत बेकार है भाई लोग, अगर एक बार आ गया तो जल्दी जाता नहीं है। BSE का तो लफड़ा भाई लोग जानते ही होंगे, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया तो परेशान करके रख देगा जब तक वो ठीक नहीं होगा। चलिए दोस्तों ऑफिस के पास आ गए हैं और खड़े कर दिए हैं गाड़ी को। तो भाई लोग सबसे पहले तो हैंड ब्रेक लगाना पड़ता है, नहीं तो बिना हैंड ब्रेक का ऑटो रीजनरेशन काम नहीं करता है। और ये देखिए यही है ग्रीन स्विच, 2-3 सेकंड तो इसको दबा के रखिएगा ना तो अपने आप पकड़ लेगा। ये देखिए रीजन इन प्रोसेस डू नॉट मूव, मतलब अभी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है गाड़ी में। RPM देखिए 20 तक चला जाता है। अब जब तक ये सही नहीं होगा अपने आप जब तक 5 तक RPM नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ना पड़ेगा। एक्सीलेटर वगैरह थोड़ा सा भी छू दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगा फिर अपने आप, इसलिए कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है अभी। चलिए भाई लोग काफ़ी जल्दी रीजनरेशन कंप्लीट हो गया, लगभग 15-20 मिनट लगा, क्योंकि सुबह में भी किए थे और कैंसिल कर दिए थे ना, तो आधा लगभग हो गया था, तो आधा ही बचा होगा, अभी हो गया। देखिए अपने आप देखिए रीजन कंप्लीटेड मूव, मतलब अब हो चुका है साइलेंसर का सब कुछ क्लीन, अब गाड़ी बढ़िया चलेगा। देखिए बत्ती भी हट गया जो यहाँ पे जल रहा था। दोस्तों आज अपने गाड़ी का सारा कुछ बिस्तर वगैरह और वो देखिए सीट एक और जो है ये सब को धो करके अच्छे से सुखा दिए थे, और अपना देखिए चादर वगैरह भी सब सूख गया है। ये स्टेयरिंग कवर भी बल्कि बढ़िया दिखने लगा, नया टाइप का सूख करके, देखना चीटी उस पर लग गया, झाड़ो उसको, झाड़ो धूप में रखो धूप में। दोस्तों समय का 6 बज चुका है भाई लोग, अभी हम लोग गुड़ेली में ही हैं, यहाँ से लगभग 8-9 बजे रात को निकलेंगे, क्योंकि सिटी अंदर 12 बजे के बाद जाने देता है, तो कोई मतलब नहीं अभी जा करके खड़े रह करके। तो अभी आज बुधवार है तो टीमर लगा, मार्केट लगता है, तो सोच रहे कुछ सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं,
तो मैं और कुछ चलते हैं अभी बाइक लेकर के, झोला पकड़ लेते हैं, सब्जी वगैरह ले लेते हैं। देखिए उसको धो दिए तो कितना बढ़िया चमक रहा है स्टीयरिंग कवर जो है। और भाई देखिए यहाँ भी आए हैं चंदा लेने के लिए अपने ऑफिस के पास। चलो जल्दी कुछ, दोस्तों आ चुके हैं टिमर लगा के मार्केट में। शाम को यहाँ मार्केट लगता है 4-5 बजे के बाद। और अभी जिस टाइम पे हम लोग आए हैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा रश होता है यहाँ मार्केट में, भीड़ भड़ा के एकदम। मूली, लाल भाजी, बैंगन, धनिया, चिप्स, देखते हैं। कद्दू, कद्दू का सब्जी खाता है? कद्दू मतलब समझा वो खुखड़ी। खुखड़ी खाओ खुखड़ी। और क्या है, मुंगा है, करेला ले लेते हैं भाई लोग। करेला आधा के जी रख लेते हैं लेकर के, ताज़ा करेला है एकदम। करेला कैसे है? 15 रुपये पाओ, यानी 60 रुपये किलो। कैसे बोले भैया, 15 रुपये पाओ? एक आग जगह और पता कर लेते हैं पहले। हाँ मिल गया भाई लोग, यही चाहिए था फिर से। कैसे हैगा भाई, कैसे? 40 के पाओ। ये तो बढ़िया है। और आधा किलो कतक पड़ेगा? आधा किलो में कम नहीं पड़े? कुछ इसी को ले ले, इसी को ले ले कि करेला ले ले? करेला ले ले, करेला ले लेते हैं। दो टाइम इसको खा लिए हैं और बहुत ज़्यादा महंगा भी है ये। और क्या है इधर, मक्का, खीरा, मुनगा, गोभी। गोभी कैसा है? मज़ेदार नहीं है गोभी उतना। भिंडी सुखा गएगा। बरबट्टी, देखते हैं भाई लोग कुछ कुछ खरीद लेते हैं घूम घाम के इधर उधर जो भी अच्छा लगे। बाप रे भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है मार्केट में, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कुंदरी, कुंदरी पूछते हैं आज कैसे है कुंदरू। कुंदरू आज कुंदरू ले लेते हैं, आधा किलो दे दो। खाता है ना कुंदरी? आधा किलो दो। बड़ महंगा है सब सब्जी है अभी। दोस्तों समय का 7:30 हो गया और देखिए हम लोग आटा गूंद रहे हैं और बाकी का उधर प्याज, मिर्चा और टमाटर काट करके रेडी रखा हुआ है। अभी ये रात में शॉर्टकट वाला काम चल रहा है, रोटी और अंडा का भुजिया बनेगा। अभी 4 अंडा लेकर के आ गए हैं। कैसे कुछ बाबा सही बोल रहे हैं ना। चलिए पहले रोटी बना लेते हैं, उसके बाद तुरंत भुजिया बनाएंगे और डायरेक्ट खाना खाएंगे। रोटी भी आज कम बना रहे हैं भाई लोग, क्योंकि दोपहर का जो खाना था ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन गया था और बहुत ज़्यादा खा लिए थे, इसलिए मुश्किल से 1-2 रोटी खाएंगे हम, बाकी का कुछ खाएगा। तो चलिए बनाते हैं फटाफट।
दोस्तों रोटी देखिए अपना इधर बन चुका है गर्मा गर्म, और चले अब अंडा का भुजिया बनाने के लिए। डालो कुछ तेल, डालो डालो थोड़ा और, बस 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 हो गया। ये क्या भाई लोग, इसमें नमक, और ये क्या हल्दी, और ये क्या चिकन मसाला। चलिए अब ये सबको बढ़िया से फ्राई मारते हैं, तब डालेंगे इसमें लास्ट में अंडा। मसाला पक गया भाई लोग, जाएगा इसमें अपना अंडा। एक दो तीन, और अभी एक आखिरी जाएगा भाई लोग, चार अंडा। दो लोग के लिए पर्याप्त है इतना। इसको फ्राई मारते हैं बढ़िया से। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में, अंडा भुजिया को तुरंत बन जाता है, बस अब 2-3 मिनट रहेगा और रेडी हो जाएगा ये। चलिए दोस्तों रेडी हो गया, आज अंडा भुजिया बहुत बढ़िया बनाया लग रहा है, पूरा ढाबा में जैसे बनाते हैं उस टाइप का बना दिया हूँ, उससे भी बढ़िया। ढाबा में इतना मसाला वगैरह बढ़िया से डाल करके नहीं मिलता है। गैस को बंद कर देते हैं और गर्मा गर्म ही खा लेते हैं तुरंत। चलिए भाई लोग खाते हैं अब खाना, उसके बाद एक आध घंटा आराम करके चलने का भी तैयारी करना है अभी। भुजिया तो बवाल बना है एकदम मस्त। दोस्तों रात का 11 बजने को जा रहा है और अभी तक हम लोग गुड़ेली में ही हैं, नहीं निकले हैं, तो अभी निकलना भी नहीं है। अब सीधा भैया बोले कि 3 बजे यहाँ से निकल जाना और खाली कर लेना आराम से भोर भोर में सिटी अंदर, तो हम लोग अभी यहीं सो रहे हैं भाई लोग। कुछ तो ऑफिस में चला गया, मैं गाड़ी में आराम से सोऊंगा और यहाँ से 3 बजे हम लोग निकलेंगे, डीजल डलवा करके डायरेक्ट चलेंगे सिटी अंदर, खाली करेंगे, और उसके बाद का प्रोग्राम भी नहीं मालूम है। खाली करके खड़े रहेंगे, पूछेंगे भैया से सुबह कि कहाँ जाना है हम लोग को। अगर NTPC भेज देते तो बहुत अच्छा होता भाई लोग, इधर बहुत किचकच है चलने में। NTPC से आराम से उधर आरंग या धमतरी चलते ना, या रायपुर, तो उधर ठीक रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो चलिए कल आप लोग अपडेट मिल जाएगा कहाँ जाएंगे हम लोग लोडिंग के लिए। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल फिर से आप लोगों को एक और ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर।